আর সংসদত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ আরম্ভ হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশনত আমি দেখাইছো পুনে পুনে। সংসদ কে ইস নয় ভবন মে জব আদরণীয় রাষ্ট্রপতি জি হাম সবকো সম্বোধিত করতে আই আর জিস গৌরব আর সম্মান কে সাথ সেঙ্গল পুরে প্রসেশন কা নেতৃত্ব और हम सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नए सदन में ये नई परंपरा भारत के आजादी के उस पवित्र पल का प्रतिबिंब जब साक्षी बनता है तो लोकतंत्र की गरिमा कई गुना ऊपर चली जाती है। ये 75वां गणतंत्र दिवस इसके बाद संसद का नया भवन सेंगोल की अगुवाई ये सारा दृश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावी था। मैं जब वहां से पूरे कार्यक्रम को मैं भागीदारी कर रहा था, यहां से तो उतना हमें भव्यता नजर नहीं आती है, लेकिन वहां सब मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमावरण उपस्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी और आप हम सबके मन को प्रभावित करने वाला वो दृश्य हमेशा हमेशा याद। जिन माननीय करीब 60 से ज्यादा माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के आभार प्रस्ताव पर अपने अपने विचार रखे हैं, मैं विनम्रता के साथ अपने अपने विचार व्यक्त करने वाले सभी अपने माननीय सांसद गण का आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि उन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। अधीरंजन जी, इस बार आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है क्या? हमारे किताब में बोलते हैं कि अहंकरम बलम दर्पम, आपने इन्हीं चीजों को पचाया है।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का भाषण एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर, हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो देश के सामने राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया। और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश किस स्पीड से प्रगति कर रहा है, किस स्केल के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा जोखा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए चार मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है। और उनका सही सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा। और उन्होंने इन चार स्तंभों का उल्लेख करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई बहन और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। इनके सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के जो राह है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है। अच्छा होता, हो सकता है आपके यहां फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहां पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहां माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहां माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहां युवा में माइनॉरिटी, क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। आदरणीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता कि जाते जाते तो कम से कम इस चर्चा के दरमियान कुछ सकारात्मक बातें होती, कुछ सकारात्मक सुझाव आते। लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया, क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझ पा रहा है।
उसको बार बार दर्द होता है कि ये दशा है इनकी, इनकी सोचने की मर्यादा इतनी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं, और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए ये भी मैं सिखाता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला, और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए, और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए, इसलिए हर बार ये करते रहे कि और भी विपक्ष जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए, उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए, और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की, विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है, और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए, और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कहते दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूँ, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूँ। आज हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है।
न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूंगा। 10 लोग प्रगति करें, मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए, स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है। और इसलिए अच्छा हुआ दादा, थैंक यू, ये विषय कभी बोलता नहीं था, आज बोल दिया मैंने। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था के मूलभूत जो आधार है उसके की बारीकी से चर्चा की। और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। और जब विश्व संकट से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है। G20 समिट के अंदर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भारत के लिए क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या आशा करता है। और इन सारे 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं। और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है।
माननीय अध्यक्ष जी, इनको पहले मौका नहीं दिया था क्या? सबको मौका दिया है ना। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेंगे कहते हैं, तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्क देते हैं, कैसा कुतर्क देते हैं। वो कहते हैं इसमें क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगा। क्या कमाल है आप लोगों की, मोदी का क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगी। मैं जरा सरकार की भूमिका क्या होती है, इस सदन के माध्यम से देश को और विशेष करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूं, देश की युवा शक्तियों को बताना चाहता हूं कि होता कैसे है और सरकार की भूमिका क्या होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले 2014 में फरवरी महीने में जो इंटरिम बजट आया था, उस समय कौन लोग बैठे थे आपको तो मालूम ही है, देश को भी मालूम है। जो 10 साल पहले इंटरिम बजट आया था, उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं और एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान है जी। जब आप लोग कहते हैं ना कि तो अपने आप तीसरे नंबर पर जा ही जाएगा, ऐसा कहते हैं, उनको जरा समझना चाहिए। ये उन्होंने क्या कहा था, आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर, विजन फॉर द फ्यूचर। पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे। आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर। आगे कहते हैं, आई वंडर हाउ मैनी हैव नोटेड द फैक्ट दैट इंडियाज इकोनॉमी In terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था, आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया, क्या हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आगे पढ़ रहा हूं। गोगोई जी, थैंक यू, आपने अच्छा कहा, मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए साथियों, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बड़ा गौरव का बात था। There are great things in store. फिर आगे कहते हैं, there is a well argued view that in the next three decades, India's nominal GDP will take the country to the third rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे, 30 साल। और फिर कहा था, ये मेरा विजन जो मैं, मनमोहन सिंह नहीं थे, बहुत लोग हैं जो एक ख्यालों में रहते हैं, वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है।
ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं, कि अरे 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। संकल्प तो दूर की बात थी, 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कहकर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। कैसे लक्ष्य रखते थे, उनकी सोच कहां तक जाती थी, गया आती है, और आप लोग 11 नंबर पे बड़ा गर्व कर रहे थे, अब 5 नंबर पहुंचा दिए जी। लेकिन अगर 11 पर पहुंचने से आपको खुशी होती थी तो 5 नंबर पहुंचने पर भी खुशी होती होनी चाहिए। देश 5 नंबर पर पहुंचा, आपको खुशी होनी चाहिए। इस बीमारी में फंसे पड़े हो आदरणीय अध्यक्ष जी, भाजपा सरकार की काम करने की स्पीड, हमारे लक्ष्य कितने बड़े होते हैं, हमारा हौसला कितना बड़ा होता है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में, खास एक कहावत कही जाती है, 9 दिन चले 2.5 कोस। और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित कर देती है। ये कांग्रेस की सुस्त रफ्तार, कांग्रेस के सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आज देश में आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। आदरणीय अध्यक्ष जी, शहरी गरीबों के लिए हमने 400 घर, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के